चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को टक्कर देने के लिए 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला एआई मॉडल कृत्रिम एआई को लॉन्च किया गया है। ओला के को-फाउंडर भावेश अग्रवाल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने की शुरुआत भारत में कर दी है। उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कृत्रिम एआई डिजाइंस ने शुक्रवार को 15 दिसंबर को अपना पहला एआई मॉडल लॉन्च किया। यह मल्टी लेवल मॉडल है जो कई भाषाओं में जवाब देने की क्षमता रखता है। साथ ही एआई मॉडल को लेकर जारी ग्लोबल कॉम्पिटिशन में भी अब ओला के फाउंडर उतर चुके हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम कृत्रिम एआई बहुत ही सोच समझ कर रखा है। कृत्रिम एक संस्कृत शब्द है जिसका इंग्लिश मतलब होता है आर्टिफिशियल। कृत्रिम एआई के दो मॉडल होंगे, पहला बेस मॉडल जिसका नाम कृत्रिम है और इसके करीब 2,00,000 टोकन और विशाल डेटा के साथ ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। वहीं दूसरा मॉडल का नाम कृत्रिम प्रो है, जिसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें अधिक एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने और टास्क को पूरा करने की क्षमता होगी। कृत्रिम एआई के लॉन्च के दौरान अग्रवाल ने अपने चैटबॉट का प्रीव्यू दिखाया। चैटबॉट काफी हद तक ओपन एआई और गूगल के बार्ड की तरह काम करता है। ये चैटबॉट भारतीय भाषाओं को अच्छे से समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। कृत्रिम की टीम के सदस्य भारत और अमेरिका दोनों जगह से काम करते हैं। समय के बदलाव के साथ साथ दुनिया को आसान बनाने की कोशिश लगातार आईटी कंपनियों द्वारा जारी है। अब देखना है ऐसे में कृत्रिम एआई कितना धमाल मचा पाता है। आप ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।